जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2021 का 38वां मुकाबला खेला जा रहा है उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी आज के मुकाबले में चेन्नई का प्रदर्शन देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 14वें सीजन का 38वां लीग मैच चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबू धाबी में खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में कोलकाता के कप्तान ऑयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर उनका पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल भी सही उनकी टीम के लिए साबित नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि इस मुकाबले के लिए कोलकाता की टीम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, जबकि चेन्नई में एक बदलाव देखने के लिए मिला, जहां पर ड्वेन ब्रावो के स्थान पर सैम करन को मौका दिया गया। तो वहीं सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने बताया कि ड्वेन ब्रावो के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उनको आराम दिया गया है क्योंकि वे सीपीएल से अभी लौटे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आज सैम करन ने चेन्नई सुपर की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए। और इसी बीच आज जब मैदान पर केकेआर की टीम के बल्लेबाज उतरे तो आते से ही केकेआर की टीम अपने विकेट गवाती हुई दिखाई दी। जी हां दोस्तों, यहां पर केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने के लिए एक बार फिर से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे थे, जहां पर शुभमन गिल का विकेट पहले ही ओवर की छठी गेंद पर गिर गया। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल रन आउट हुए और उनको शानदार रन आउट किया अंबती रायडू ने, जिसके चलते शुभमन गिल के रूप में केकेआर की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। और शुभमन गिल 5 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए और अपनी में उन्होंने 2 चौके लगाए थे। तो वहीं दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे राहुल त्रिपाठी, जहां पर उम्मीद जताई जा रही थी कि वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी के बीच में अच्छी साझेदारी होगी और ये दोनों ही बल्लेबाज जरूर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच ये साझेदारी भी कुछ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जी हां दोस्तों, जब महेंद्र सिंह धोनी ने शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी थमाई तो उन्होंने आते से ही इस मैच के अपने पहली ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर का विकेट चटका दिया और इसी के साथ केकेआर की टीम को ये दूसरा बड़ा झटका लगा। और इनफॉर्म बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आज के इस मुकाबले में 15 गेंदों में मात्र 18 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए थे। तो वहीं दोस्तों वेंकटेश अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे ऑयन मॉर्गन, जहां पर राहुल त्रिपाठी और ऑयन मॉर्गन के बीच में थोड़ी साझेदारी पनप रही थी। लेकिन इसी बीच कप्तान ऑयन मॉर्गन ने एक बार फिर से अपना फ्लॉप शॉट जारी रखा। दोस्तों कप्तान ऑयन मॉर्गन ने इस मुकाबले में 14 गेंदों में मात्र 8 रन बनाए और उन्होंने अपना कैच फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट करवाया। जी हां दोस्तों, यहां पर फाफ डू प्लेसिस ने ऑयन मॉर्गन का शानदार कैच लिया, जिसके चलते केकेआर की टीम को ये तीसरा सबसे बड़ा झटका लगा और इसी झटके के साथ केकेआर की पूरी टीम बिखरती हुई नजर आई। हालांकि यहां पर कुछ हद तक पारी को राहुल त्रिपाठी ने संभाला, जिन्होंने अर्धशतक की पारी खेली। तो वहीं नीतीश राणा ने भी यहां पर केकेआर की टीम को मैच में बनाकर रखा हुआ है। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय केकेआर के आज के इस प्रदर्शन के बारे में और आप चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे उनकी गेंदबाजी देखकर? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।